अब हम संवारेंगे माइका। She's dearest to me. इसका ख्याल रखना। जान से भी ज्यादा। तो फाइनली दोस्तों भाईजान का स्टारडम किसी के रोके नहीं रुक रहा। जी हाँ, किसी का भाई किसी की जान अपने 6 दिन कंप्लीट करके 7वें दिन में एंट्री मार ली है और हर दिन भाईजान एक अनबीटेबल आंकड़ा देकर नए नए रिकॉर्ड सेट भी कर रहे हैं। तो आज जानेंगे कि फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है, फिल्म ने अपना बजट कवर कर लिया है या नहीं, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, फिल्म आपको कैसी लगी, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी सलमान के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जबरदस्त तांडव कर रही है सिनेमाघरों में, साथ में बॉक्स ऑफिस पर भी। हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करके फिल्म ताबड़तोड़ कमाई रोज अपने खाते में रख भी रही है। इतना तो है, सलमान भाई को अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। दूसरा, मूवी भी जबरदस्त है। समा पार्ट एक्शन ने जनता का दिल लूट लिया है। एक्शन में जो डायरेक्शन हुआ है एक नंबर है भाई साहब, फराज साम जी की तरफ से। इसी के साथ सलमान के साथ पूजा हेगड़े की ये केमिस्ट्री पहली बार बड़े पर्दे पर लोगों को देखने को मिल रही है, जिसे लोग पसंद भी काफी कर रहे हैं। देखा जाए तो मूवी की स्टोरी लाइन एकदम एवरेज है, सिंपल है, कुछ जगह मूवी खींचा गया है, लेकिन समा पार्ट मूवी में अमेजिंग सीन्स है जो लोगों को थिएटर्स में सीटियां और तालियां मारने पर मजबूर कर ही दे रहे हैं। दोस्तों फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान कंटेंट सुपर फैमिली एंटरटेनमेंट के पर्पस से है, जिसको ऑडियंस विद फैमिली काफी एंजॉय कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को फराज साम जी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन स्टार कास्ट पूजा हेगड़े सेकंड लीड रोल में दिखेंगी भाईजान के साथ, साथ ही वेंकटेश डगुपति, राघव जुयाल, जगपति, सहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फराज साम जी के डायरेक्शन में इस बार दम तो है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से इनकी मूवी कोई चल नहीं पा रही थी, लेकिन सलमान के स्टारडम ने मूवी और डायरेक्शन को चार चांद लगा दिया है। दोस्तों जहां आपने पहले दिन एक एवरेज ओपनिंग से बॉक्स ऑफिस की शुरुआत करी, जी हाँ लगभग 15 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने नाम किया था और इस साल की रिलीज होने वाली तू झूठी में मक्कार का रिकॉर्ड भी तोड़ा था और इस साल की सेकेंड बिगेस्ट ओपनर साबित हुई पठान के बाद। वहीं दूसरे और तीसरे दिन ईद की हॉलिडे का जबरदस्त एडवांटेज लेते हुए जबरदस्त ग्रोथ करी थी। जी हाँ, 26 करोड़ और 27 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट किया था अपने दूसरे और तीसरे दिन में। इसी के साथ पहले तीन दिन में 68 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके आमिर, अक्षय और शाहरुख की पिछले साल रिलीज होने वाली फिल्मों के रिकॉर्ड्स को अपने नाम करा। वहीं बता दूं तो चौथे दिन भी आंकड़ा मंडे वर्किंग डे होने के कारण 60% तक नीचे गिरा और लगभग 10 करोड़ 50 लाख तक का कलेक्शन किया। इसी के साथ पहले चार दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। वहीं पांचवें दिन भी फिर डाउनफॉल दिखा और मूवी ने लगभग 6 करोड़ 12 लाख रुपए तक कमाए। वहीं अपने छठे दिन यानी कल को फिर आंकड़ा ड्रॉप दिखा और लगभग 5 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन ही कर पाए। इसी के साथ पहले 6 दिन का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 89 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था कल तक और पूरी दुनिया से पहले 6 दिन का टोटल कलेक्शन 150 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। दोस्तों सलमान भाईजान का स्वैग ओवरसीज पर भी भरपूर देखने को मिल रहा है। बात करें आज यानी डे 7 में क्या हाल है फिल्म के, तो यस लगभग 55 लाख का एडवांस अपने खाते में रखकर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट 7-8% की होल्ड करी थी और इवनिंग एंड आफ्टरनून में 11-12% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ एंड ऑफ द डे 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की कमाई अपने खाते में रख सकती है। इसी के साथ टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑफ द डे शायद 93 करोड़ तक सेट कर देगी फिल्म और पूरी दुनिया में अपना जादू बिखेरते हुए सलमान भाई 155 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर देंगे एंड ऑफ द डे अपनी सुपरहिट फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, या आप लोग बताएंगे कि फिल्म आप लोगों को कैसी लगी अगर देख लिए तो। दूसरा, क्या सलमान भाई की फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। तीसरा, मूवी का एक्शन आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं, सब फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।